सिर्फ चार लोग हैं, पांच होते तो अच्छा होता और मजा आता, लेकिन एक कम है। थैंक यू। दोस्तों, कमल हसन फिल्मी पर्दे पर हमेशा से सुपरस्टार रहे हैं और इन्होंने कई फिल्में की हैं जो हमेशा लोगों पर गहरी छाप छोड़ती आई हैं। उन्होंने साउथ फिल्मों के साथ बॉलीवुड की फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। कहा जाता है कमल हसन ने महज 6 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना स्टार्ट कर दिया था। बतौर बाल कलाकार फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले कमल हसन आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं अभिनेता कमल हसन के जीवन से जुड़े कुछ खास तथ्यों के बारे में और जानेंगे उनके जीवन के कुछ उतार चढ़ाव की बातों के बारे में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नंबर वन, दोस्तों कमल हसन को फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं, वो भी 20, 4 नेशनल अवार्ड और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा 2016 में फ्रांस सरकार ने इन्हें भारतीय सिनेमा में अहम योगदान देने के लिए प्रमुख पुरस्कार द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया, और साथ ही भारत से अब तक सबसे ज्यादा ऑस्कर के लिए कमल हसन की फिल्में ही गई हैं। इनकी 7 फिल्में ऑस्कर के लिए जा चुकी हैं। इनमें से एक फिल्म इनके द्वारा निर्मित थी जिनका नाम थेवर मगन था। नंबर टू, दोस्तों इनकी पर्सनल लाइफ बेहद ही विवादों में रही। साल 1978 में इन्होंने वाणी गणपति से शादी की, लेकिन 10 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। कहा जाता है लंबे वक्त तक लिव इन में रहने के बाद इन्होंने मशहूर अभिनेत्री सारिका से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। दोनों के बीच 2004 में तलाक हो गया। इस तलाक के बाद फिर कमल हसन का नाम अपने से 22 साल छोटी अभिनेत्री सिमरन बग्गा के साथ जुड़ा। कहा जाता है ये दोनों कई सालों तक लिव इन में रहे, लेकिन ये भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला, दोनों अलग हो गए। इस बीच उनका नाम और भी कई महिलाओं के साथ जुड़ा। नंबर थ्री, कमल हसन एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे स्टंटमैन भी है, और वो अपनी फिल्मों के स्टंट्स खुद ही करना पसंद करते हैं क्योंकि वो जैकी चैन के बहुत बड़े फैन है। लेकिन एक बार जैकी चैन जैसे एक्शन स्टंट को कॉपी करने के चलते कमल हसन काफी बुरी तरह चोटिल हो गए और उनके शरीर में स्टंट्स के चक्कर में 36 बार फ्रैक्चर भी हुए। नंबर फोर, दोस्तों कमल और नसीरुद्दीन शाह के बीच में आपसी झगड़ा भी हो चुका है। हुआ ये कि साल 1983 में कमल हसन जयाप्रदा को लेकर एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते थे जिसके निर्देशक के विश्वनाथन थे। इसके लिए उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच किया और कहा ये एक छोटी सी आर्ट फिल्म है और मैं चाहता हूँ आप इसमें बिना फीस लिए काम करें। लेकिन इस बात से तो हमारे नसीरुद्दीन शाह कमल हसन से नाराज हो गए, कमल हसन को वहां से जाने के लिए कह दिया। नसीर साहब का कहना था कि अगर ये इतनी छोटी फिल्म है तो वे खुद को और जयाप्रदा को इसमें क्यों कास्ट कर रहे हैं। इसके बाद 17 सालों तक इन्होंने साथ काम नहीं किया। उसके बाद साल 2000 में फिल्म हे राम में एक बार फिर से साथ नजर आए। नंबर फाइव, दोस्तों कमल हसन को स्टार बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर के बालचंद्र थे। उन्होंने कमल हसन को एक हीरो के रूप में स्थापित किया। कमल उनके प्रति हमेशा ग्रेटफुल भी रहे। जहां एक तरफ कमल हसन बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, वहीं दूसरी तरफ अभिनेता रजनीकांत तब स्ट्रगल कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कमल हसन की फिल्मों में सपोर्टिंग रोल भी किए, लेकिन रजनीकांत को सुपरस्टार बनाने में कमल हसन ने चुपके से अपनी भूमिका निभा दी थी। दरअसल रजनीकांत को करियर की शुरुआत में या तो फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिल रहे थे या फिर कमल हसन जैसे सुपरस्टार के साथ फिल्मों में सेकेंड लीड रोल मिलते थे। और ये बात जब कमल को महसूस हुई तो उन्होंने 1989 में आई फिल्म निन्ने थाले इन्निकुम के बाद रजनीकांत के साथ काम करना बंद कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि रजनीकांत को दूसरी फिल्मों में मेन हीरो के रोल मिल जाए, और बाद में हुआ भी ऐसा ही। रजनीकांत को धीरे धीरे लीड रोल मिलना शुरू हो गए और देखते ही देखते वो सुपरस्टार बन गए। नंबर सिक्स, दोस्तों साल 2008 में आई फिल्म दशावतार में कमल हसन ने कारनामा कर दिया। उन्होंने इस फिल्म में पूरे 10 रोल निभा दिए, और इस फिल्म का निर्माण इसलिए किया गया ताकि कमल हसन दिखा सके वे कितने प्रतिभाशाली है। इस फिल्म में उन्होंने 10 भूमिकाएं निभाई थी, हीरो भी वही, विलेन भी वही, सहायक भूमिकाएं भी उन्होंने निभाई। बूढ़ी अम्मा, अंग्रेज, चीनी, बंगाली बाबू, जॉर्ज बुश, सरदार और वैज्ञानिक जैसे कई किरदार इन्होंने फिल्म में किए। ये कारनामा करने के बाद उनकी बहुत तारीफ हुई थी। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें कमल हसन के जीवन से जुड़ी। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बताई गई ये सभी बातें पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल तो रखिए ही।